हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी रेशमा कुक। ये हमारा चिकन काला सुक्का और बाजरे की रोटी आज हम बना रहे हैं और इसकी रेसिपी इतनी सिंपल है। ये महाराष्ट्रन काला सुक्का चिकन है, आप बहुत आसानी से इसे घर में बना सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस है और ये बाजरे की रोटी के साथ ही बहुत ही अच्छा लगता है। ये बाजरे की रोटी आज हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके की बताएंगे जो आप आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, ये कितनी सॉफ्ट है, कड़क नहीं है जैसे होटल में होती है। और ये काला रस्सा भी इसे आप बना सकते हो और सूखा भी इसे बना सकते हो। तो इसकी रेसिपी अगर आपको देखना है तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए। ये हमने कंट्री चिकन लिया है, जो देसी चिकन होता है ना, ये वो है। खास हम विलेज स्टाइल बना रहे हैं तो इसे हम कंट्री चिकन के साथ ही बनाएंगे। ये हमने एक प्याज ले लिया है, इस तरह से नाइफ में ले लेंगे इसे, और एक ड्राई कोकोनट। इसे हमें सबसे पहले रोस्ट करना है, इसी तरह से जलाना है, हमें पूरी तरह से जलाना नहीं है, सिर्फ इसे रोस्ट करना है। ये देखिए, गैस की धीमी आंच पे हम इसे रोस्ट करेंगे। चिकन को हम सबसे पहले मैरिनेट कर देंगे। इसके लिए हमने हाँ चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके 2 चम्मच दही डाल दिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच हमने कोरिएंडर पाउडर डाल दिया है इसमें, और 1 चम्मच हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। अगर आप तीखा कम खाते हो तो कम भी डाल सकते हैं। और 2 चम्मच हमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है, आप घर में भी पेस्ट बना के डाल सकते हैं। और ये नींबू डालेंगे 1/2 चम्मच, 1/2 लेमन, फिर सॉल्ट डालेंगे हम, और ये हम इसमें काला मसाला डालेंगे जो बाज़ार में आसानी से मिलता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कांदा लहसुन मसाला भी डाल सकते हैं। और ये हमने कम से कम 2 चम्मच चिकन मसाला डाला है, 2 चम्मच हमने काला मसाला डाला है। अब इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। बस ये मैरिनेशन का ही कमाल है और बाकी की ईजी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। ये मैरिनेशन करके इसको कम से कम 1/2 घंटा छोड़ देंगे। ये हमारा प्याज भून चुका है, कोकोनट भी हो चुका है। अगर आपको लगे थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया है तो आप ऊपर से इस तरह से नाइफ की मदद से सबको निकाल सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ, हमें ज़्यादा काला नहीं चाहिए इसलिए हमने निकाल लिया जो हमें नहीं चाहिए। अब एक मिक्सी जार में हम कट करके डाल देंगे 1 टमाटर, 3 हरी मिर्चें और धनिया लीव्स और 1/2 चम्मच जीरा। इसका स्मूथ पेस्ट बना देंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन पेस्ट नहीं तो उसी टाइम पर आप डाल सकते हैं अदरक लहसुन पेस्ट। ये देखिए, हमारा तेल गरम हो चुका है, हमारा मैरिनेशन भी हो चुका है। तो अब हम ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन को 1/2 घंटे रखा था उसको हम डायरेक्ट तेल में डाल देंगे। ये देखिए, और ये हम मसाला में फेंकना नहीं है, इसमें भी बहुत स्वाद है। इसे हम थोड़ा पानी डाल के इसमें मिक्स कर देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से चला लेंगे। ये देखिए, अभी हमारा 1 कप जो ये काला मसाला पेस्ट है इसको भी हम साथों में ऐड कर देंगे। अलग से किसी चीज़ की भुनाई की ज़रूरत नहीं है, मैरिनेशन चिकन है, सिर्फ इसमें काला मसाला ऐड करना है हमें। सारी चीज़ें तो हमने डाल दिया था, नमक से लेके हर चीज़। अब इसे हम एटलीस्ट 30 मिनट के लो हीट पे कुक करेंगे। तो ये हमारा 30 मिनट हो चुका है, चिकन ने अपना पानी छोड़ा है, मैरिनेशन का भी पानी छूट चुका है, चिकन हमारा 80% कुक हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और ये ब्लैक रस्सा बहुत ही डिलीशियस लग रहा है दिखने में। ये देखिए, चिकन हमारा 80% कुक हो गया अब, और हम इसका पानी सुखाएंगे। तो जब तक उसका पानी सूखता है हम ये बाजरे का आटा ले लेंगे 1 कप, और 1/2 कप हमें गेहूं का आटा मिलाना है। और ये हमने गर्म पानी लिया है, गर्म पानी के साथ हम इसे गूंद लेंगे अच्छी तरह से। आटा मिलाने से ये होता है कि हमारी रोटी फटती नहीं है, और जिनको बाजरे का रोटा जमता नहीं है, आटा गूंदने फट जाती है उनकी रोटी, तो वो आटा मिला सकते हैं तो रोटी कम फटेगी और अच्छी बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। यही हमारा बेसिक सिंपल स्टेप। ये देखिए कितना अच्छी तरह से हमारा आटा गूंद चुका है, ये देखिए दिख रहा है, आटे की मदद से ये अच्छी तरह से पतला भी हो सकती है रोटी। आपको अगर मोटी चाहिए मोटी बना सकते हो, पतली चाहिए पतली कर सकते हो। तो चलो अब हम आपको बताते हैं गूंद के। ये देखिए, फटती नहीं जल्दी, जनरली नहीं तो थोड़ा मुश्किल होता है बाजरी जवारी बनाने। तो ये बाजरी का कितना सिंपल तरीके से बेली जा रही है। हम अब इसके ऊपर तिल डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हो, दिखने में अच्छी दिखेगी हमारी रोटी। तो हम इसे डाल के बेल लेंगे। ये देखिए,
तो चलो अभी हमारा तवा गर्म हो चुका है, हम अभी इसे तवे पे डाल देते हैं। ये देखिए, ये सिंपल है बाजरी का ये रोटी बनाने का। अब हम इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे, इससे क्या रोटी बहुत अच्छी बनती है और सॉफ्ट बनती है पानी डालने से। अब हम इसे पलट लेंगे, दोनों बाजू से अच्छी तरह से सेक लेंगे। अगर ऑयल डालना चाहते हैं आप ऑयल डाल सकते हैं। ये देखिए, आसपास से अलट पलट के इसे अच्छी तरह से सेक लीजिए। ये देखिए, अभी हमारी रोटी सेक के हो चुकी है। अब हम निकाल लेंगे और बाकी की सारी बाजरे की रोटियां बना लेंगे सेम इसी तरह से, है ना, बहुत सिंपल तरीका। चलो अभी हम चिकन को देखते हैं। हमारा चिकन का पानी अच्छी तरह से सूख गया है। अगर आपको पानी चाहिए और तो आप ऐड करके, अगर पतला रस्सा चाहिए तो आप इसे पतला भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसको सूखा बनाना है, काला मसाला सूखा, तो मैं इसीलिए इसका पानी सूखा के से सूखा कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। जनरली देसी चिकन थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगता है पकाने के लिए। अब हम इसे कोरिएंडर लीव के साथ गार्निश करेंगे। दिख रहा है ना कितना लजीज और टेस्टी, सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही है। चलो अब इसे सर्व करते हैं एक प्लेट में। ये देखिए, हमारा काला चिकन सुक्का मसाला, बहुत सिंपल है ना रेसिपी, महाराष्ट्र डिश है ये फेमस, आप बना सकते हो इसे इजीली। हमेशा रेगुलर चिकन तो आप खाते हो, इस तरीके का सिंपल मेरे प्रोसीजर से आप बनाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखिए हमारी रोटी भी कितनी सॉफ्ट है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, न्यू हो तो लाइक करना, शेयर करना और बेल बटन दबाना ना भूलना। चलती हूँ आज के लिए, बाय बाय दोस्तों।